भर दिया तो मेरा नाम नहीं। बोलो बोलो। लेकिन मैं आपसे ऐसे नहीं मांग सकते, आप मेरे साथ में सच नहीं करते तो मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। अगर सच कर लीजिए मेरे साथ, आपसे मांगेंगे चाहे छोटा भी मांगेंगे, बड़ा भी सामान मांगेंगे, लेकिन सच बिना किए हुए आपसे कुछ नहीं ले सकते हैं। तुम ये सोच रही हो? हाँ, ये कुछ देगा नहीं, इससे बदले में सच करा के ले लूंगा। हाँ, अरे तुम मुझे नहीं जानती हो। अगर आप सच नहीं कहे अल्लाह ये कचारी है। एक बात सुनो। हाँ, एक बात क्या? जितना बात बोल सकते हो सच सच जो करना चाहती हो। अरे तुम्हें जो कुछ मांगना चाहती हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो सच करने का इसमें क्या सच्चा है? देखिए, मैं आपको पानी पिलाकर इस दसलों में भी आपकी प्राण बचाई हूँ, और आप मेरे साथ सच नहीं करते तो मैं इस जंगल से जा रही हूँ। और आप सोच लीजिए, इस जंगल से मैं जा रही हूँ, आप सच नहीं कीजिएगा तो आप हमें कुछ भी मांग नहीं सकती हूँ। भगवान, अगर मैंने शिव बंजारी को अगर मैंने सच नहीं करता हूँ तो क्योंकि उसके उपकार के नीचे मैं दब चुका हूँ, मेरे जान बचाकर उसने बड़ी भारी उपकार किया है। अगर ये ऐसे चली गई तो मैं जिंदगी भर में सोचता रहूंगा वो बंजारी ने मुझे भारी उपकार करके, और उसके उपकार के नीचे मैं हर उम्र भर दबे रहूंगा। अरे क्या मांगेगी? अगर सच भी करेगी तो क्या मांग लेगी? अरे एक चेहरा राज ले लेगी, क्या सोने चांदी ले लेगी? कोई बात नहीं है, मैं अवश्य सच करूंगा, क्योंकि मुझे उन्होंने मेरे प्राण को बचाया है, और मैं उसके साथ अगर बिना सच किए हुए कुछ दिए हुए बिना मैं चला जाऊं तो मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा जो मेरे जान बचाया, लेकिन मैंने वो बंजारे को कुछ दे नहीं पाया। ठीक है, मैं सच कर लूंगा, और जो कुछ वो मांगना चाहेगी मैं उसे दे दूंगा। सुनो, क्या तुम बिना सच किए हुए तुम नहीं ले नहीं? आप मेरे साथ सच कीजिए, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर सच नहीं करते हैं तो मैं इस जगह से चले जाऊंगी। आपकी प्राण बचाइए, आपकी ईमानदार, आपकी ईमानदार मैं और क्या कर सकते हैं इसमें। आज धानी रही है तो हर तो
बोलो बोलो तुम क्या चाहती हो? क्या परदेसी जी आप मेरे साथ विश्वास कर लिए हैं, श्री मऊ मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आपसे आपसे मैं अब कुछ मांगने के लिए चाहती हूँ, क्या दे सकते हैं? तुम जो कुछ मांगना चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे एहसानों के नीचे दबा हुआ। बोलो जो मांगना चाहती हो मांगो। देखिए मैं आपसे यही मांगने के लिए चाहती हूँ, आप मुझे सिंदूर सिंदूर दे दीजिए, मुझे सिंदूर ही चाहिए, सिंदूर और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहता है जंगलों में रहने वाली हो, अरे जंगल ही इतना बुद्धि है, तुम्हारे पास जरा भी बुद्धि नहीं है। अरे तुम्हें अगर एक सिक्की तुझे सिर मांगना था तो सत्य का क्या जरूरी था? अरे तुम ऐसे ही मांग लेते तो 80-85 सलारी तुम्हारे झोपड़ी पर मैं सिर गिरवा देता। मुझे क्या तिलारे से मतलब नहीं है और मैं 80 तिलारे से सिर क्या करूं? मुझे तो सिर्फ एक सिक्की भर मुझे सिर चाहिए, मुझे एक सिक्की भर सिर। अरे पगली, मैं तो वही कह रहा हूं, तो तुम्हें सच करने का इसमें क्या जरूरत था? अगर अगर मैं आपसे सच नहीं करवाते तो कहीं आप पीछे भाग करके चले जाते तो मैं क्या करती? अगर मैं सोने चांदी हीरे मोती देश से हूं, क्या तुम्हारे 80-85 तलारी सिंदूर नहीं दिलवा देता? क्या आप समझते नहीं? सचमुच में मर्द कुछ समझते नहीं? अरे तुम नहीं समझती हो, क्या कहीं नहीं समझते? अरे तुम जंगलों में रहने वाली हो, जंगल की जैसी बुद्धि है, तुम्हारे मांगना चाहिए सोने चांदी हीरे मोती लाल जवाहर, अगर मांगती तो एक तेरा राज मांग लेती, मैं दे देता। अरे तुम मांगी तो एक सिक्की सिंदूर, अरे बोरा से मांगो, ट्रक से मांगो, कितना मांगोगे? माइकल साहब सच में कहते हैं मर्द को कोई दिमाग नहीं होता, मैं बोल रही हूँ कुछ वो बोल रहे कुछ समझ से बाहर हो रही, कहते जंगल में रहने वाले को कोई दिमाग नहीं होते, जितना जंगल में रहने वाले को दिमाग होते उतना महलों में रहने वाले की दिमाग नहीं होते। देखिए मैं आपसे छीकी भर सिंदूर मांगती हूँ, तिलारे भर की मैं नहीं मांगती हूँ। देखिए आप छीकी भर सिंदूर नहीं देंगे? अरे अरे मैं तो कह रहा हूँ सिक्की भर सिंदूर क्या मैं बोरा से दे दूंगा? कुंकलिया बोरा चाहिए, ये 10-10 सेरी वाला चाहिए, बताओ। भारी जादा आते हो पिया
आहो हमारे आओ बिया बोली बोलल बजल के आज बोल न जगो बोलिया आज बोल न जगो बोलिया मरते मां रात हर भैया के क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो तू? ए जवान पकड़ के खींच दूंगा। ए बंदरनी एक बात सुन ले। और तुम हमारे सामने जो खड़ी हो तुमने मेरे ऊपर जो आसान की हो इसलिए नहीं तो इतना बदन पे कोड़ा मारूंगा तुम्हारे बदन का चमड़ा उधेड़ करके मैं शिवजी के दरबार में लगा दूंगा। सुनिए स्वामी जी पिया लेकिन आप मानते नहीं आज मारते मां और रब के बदन अब भी तुम्हें समय देता हूँ आगे अब आएगी तुम अभी भी तुम भाग जाओ मेरे सामने से और नहीं तो ये देख ले कोड़ा इतना कोड़ा बरसाऊंगा और तुम ए तुम जमीन पर रहते हुए आसमान का ख्वाब देखना चाहती हो अरे ये ख्वाब भूल जाओ